पहाड़ी राज्यों में मौसम का ट्रिपल अटैक, देश भर में बढ़ेगा ठंड, दक्षिण भारत में हो सकती है भारी बारिश। 4 साल के बाद मेटा इंडियन हेड अजीत मोहन ने छोड़ी कंपनी, अब स्नैप कंपनी को करेंगे ज्वाइन। एलन मस्क फिर मुश्किल में, ट्विटर से निकाले गए कर्मचारी ने ठोका केस, क्यों निशाने पर आई कंपनी। क्या है वो चारे संयोग जिनके दम पर भारतीय फैन बोले 2022 वर्ल्ड कप हमारा है। ट्विटर डाउन, फीडबैक एक्सेस करने में आ रही दिक्कत, वेब यूजर हुए प्रभावित। भारत माता की जय नारा लगाने पर टीचर ने दी बच्चे को सजा, पेरेंट स्कूल के सामने गाने लगा हनुमान चालीसा। विश्व कप में दिलचस्प हो गई है सेमीफाइनल की जंग, इन आखिरी 4 मैचों पर परिणाम की सबकी नजर। मुलायम सिंह यादव के निधन से सपा अध्यक्ष अखिलेश के लिए बड़ी चुनौती, बन गए 3 फैक्टर। यूपी में 2 महिला आईएएस अफसरों के बदले काम, कई पीछे अधिकारी को इधर उधर किए गए। पाकिस्तान में सियासी धमासान तेज, अस्पताल में इमरान खान का संबोधन थोड़ी देर में। ट्रेन से सफर करने वालों के लिए खुशखबरी, मार्च तक चलेगा 25 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। दिल्ली में हवा हुई जहरीला, एक ही 450 के पार बंद हो सकते हैं स्कूल। कैसा रहेगा 8-9 का चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण का राशियों पर ऐसा रहेगा प्रभाव। हिमाचल में रैली से पहले पीएम मोदी राधा स्वामी सत्संग ब्यास के बाबा प्रमुख गुरिंद्र सिंह ढिल्लो से करेंगे मुलाकात। बिहार में पाकिस्तान मत बनाइए, आप खुद चले जाए नीतीश कुमार पर भड़के बीजेपी। सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनी न्यूजीलैंड, 2 नंबर के लिए जंग जारी। गोरखपुर में मेडिकल माफिया पर डॉक्टर अभिषेक यादव की 100 करोड़ की संपत्ति सीज। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए 4 दिसंबर को होगा मतदान, 7 को आएगा परिणाम। भारत जोड़ो यात्रा के लिए तेज चलने की प्रैक्टिस में जुटी महाराष्ट्र कांग्रेस के कई नेता। देव दीपावली पर 80 लाख फूलों से सजा काशी विश्वनाथ धाम, 10 लाख दियो से हो गए जगमगाहट। अफरीद 42 के हो गए लेकिन बचपना नहीं गया, भारत आईसीसी पर बयान देगा कार्रवाई फजीहत। गड़बी को सीएम फैंस बताते ही एपी में फूट, इंद्रोल राजगुरु ने की कांग्रेस में वापसी। दिल्ली ही नहीं चंडीगढ़, लखनऊ और पटना में ही बड़ा प्रदूषण, पिछले साल से स्थिति ज्यादा बदतर। जेलेंस्की ने रूस पर लगाया ऊर्जा आतंक फैसला के आरोप, राष्ट्रपति पुतिन ने कहा खेरसान को तुरंत छोड़े नागरिक। योगी सरकार ने निवेशकों के लिए बिछाई रेड कारपेट, खोला पिटारा।